नमस्कार। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना पाकिस्तान से आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अपहरण के असफल प्रयास के बाद 18 वर्षीय हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की पहचान पूजा ओड के रूप में हुई थी और कहा जाता है कि उसे रोही सुक्कूर में सड़क के बीच में गोली मार दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पाकिस्तान में अकेली घटना नहीं है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर साल सैकड़ों ईसाई और हिंदू लड़कियों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का नियमित रूप से अपहरण किया जाता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। अधिकार समूह का कहना है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय लंबे समय से जबरन विवाह और धर्मांतरण के मुद्दे का सामना कर रहे हैं। कई अधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार पर हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले सिंध में प्रांतीय सरकार ने जबरन धर्मांतरण और विवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। हालांकि धार्मिक प्रदर्शनकारियों ने यह कहते हुए बिल का विरोध किया था कि लड़कियां मुस्लिम पुरुषों के प्यार में पड़ने के बाद ही धर्म परिवर्तन करती हैं। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की कुल जनसंख्या 1.60% और सिंध में 6.51% है। आपका क्या कहना है इसको लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देख न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।